राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर पर अपनी मुलाकात से संबंधित जानकारी दी और कहा कि जिन जिन विपक्षी पार्टियों से वे मिले उन्होंने अपना समर्थन दिया है, जिसमें सीताराम येचुरी और उनकी टीम भी शामिल हो गई है। मार्क्सवादी नेता सीताराम येचुरी ने इस अवसर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्यों के अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अगर वोट डालने का मौका मिलेगा तो सिर्फ CPIM इस ऑर्डिनेंस के विपक्ष में वोट करेगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाला जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया, 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत एक जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के लिए पूरे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी पावर्स छीन ली थी। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती थी वो पावर्स हमसे सारी छीन ली गई, सरकार को पंगू बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए, लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मानसून सेशन में संसद में आएगा, तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं, तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूं और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसी सिलसिले में मैं ममता बनर्जी से मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। NCP से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। KCR साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और CPM पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि इस राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया सरकार ने, 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ, और एक तरह से देखें ये कंटेंट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू। बुनियादी जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है, और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। CPI ये हम प्रतिबद्ध हैं, तो इसलिए हमारी अपील सबसे है और ख़ास तौर से उन पार्टियों में जिन्होंने अभी तक इसका खंडन नहीं किया, उन पार्टियों से है कि आप समझ लीजिए आज दिल्ली सरकार के साथ हो सकती है, कल को हो सकता है केरल की सरकार हो, जहाँ पर हमारी सरकार है, अब राजस्थान या बाकी जगह पर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, या आपके रीजनल पार्टीज की सरकारें जो है उड़ीसा में, आंध्र में और तेलंगाना में या तमिलनाडु में, इन सब के लिए ये एक खतरा है।
कि आप आइए यहाँ पर सब मिलकर हम जो है संविधान की रक्षा करें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।